इनके लब रंगी की निछावर के जिस अच्छा नूरीन शेख हैं, इन्होंने कंपनी का नाम लिखा है कि इस कंपनी की जो काजल होती है वो वाटरप्रूफ होती है, वाटरप्रूफ की परिभाषा लिखी है कि जिसके अंदर पानी ना जाए। और तो क्या इसको लगाने से वुजू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? देखें, अगर काजल जो है ना, लगाने के तरीके भी ख़वातीन के जो है ना अलग अलग होते हैं। बहुत सारे काजल ऐसी होती है जो सिर्फ आँखों के अंदर ही अंदर होती है, उसका आँखों की जिल्द के ऊपर यानी चेहरे की जिल्द के ऊपर कोई उसका यहाँ पर तज़किरा नहीं होता। तो ऐसे में अगर वो काजल सिर्फ अंदर अंदर ही लगाई गई है, अगरचे वाटरप्रूफ हो, तो क्योंकि अंदरूनी हिस्सा वज़ू के अंदर धोना ये ज़रूरी नहीं है, ऊपर से जितना धुल जाए वो ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना उस सूरत में वज़ू हो जाएगा। और अगर काजल को फैशन के तौर पे, जैसे कि आदिवासी लोग अपने चेहरे पर निशान बना लेते हैं काले काले, उस तरीके से बहुत मोटी मोटी दो दो इंच की पूरी सड़क बना दी गई है आँखों के नीचे, तो फिर जाहिर है कि उस काजल के साथ वज़ू नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी काजल ऐसी होती हैं कि बहुत ज़्यादा डार्क भी होती है और आँखों की जिल्द यानी नीचे जो आँखों की जिल्द होती है वहाँ तक लगाई गई होती है। तो अगर वो जिल्द को ढकती है और वाकई उसके नीचे पानी नहीं जाता, कंपनी का दावा है कि वाटर प्रूफ है, तो फिर उस पर नहीं होगा, यानी उस पर वज़ू नहीं होगा। इसी तरीके से मेकअप होता है, बहुत सारे ऐसे वाटर प्रूफ मेकअप होते हैं कि उसकी परत इतनी मोटी होती है कि उसमें से ना तो पसीना बाहर जा सकता है ना ही उसके अंदर पानी अंदर आ सकता है, यानी उसका जाहिर यही होता है कि उसके ऊपर जो लेप लगा होता है चेहरे पे, उसके ऊपर पानी बह तो जाएगा लेकिन पानी उस चीज़ को छुटा नहीं सकता और अंदर जिल्द में भी नहीं जा सकता। तो अगर सूरत हाल वाकई ऐसी है कि जैसा कंपनी बयान करती है, लोग बयान करते हैं कि उसके अंदर एक परत के अंदर पानी घुस नहीं सकता, वो वाटर प्रूफ होता है, तो फिर उस पर वज़ू नहीं हो पाएगा, वज़ू से पहले उसको हटा लेना चाहिए। हसन लाले पुरनवार।